फिलहाल आप लाइव जुड़ गए हो पूरी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर मेला लग रहा है हिसार के अंदर। लगभग लगभग माने तो 52 देश एशिया के अंदर, उसमें हिसार HAU 3 नंबर गेट के ऊपर मेला लग रहा है। और 150 साल के लगभग बताऊं मैं, जो कृषि यंत्र होया करते, किसान के जो औजार होया करते, हर एक आइटम तक रूबरू कराऊंगा, किस तरह से हमारी परंपरा चलिया करती है, हमारे बुजुर्ग किस तरह से काम कराया करते, कौन से कृषि औजार थे, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, वो चीज मैं सारी रूबरू कराऊंगा। हमारे साथ है साथी, कहाँ से भाई साहब? राम राम। राम राम जी, मैं कुमार चरखी दादरी से। चरखी दादरी से, ये एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार जल्दी 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 दिखा दे भाई इसके, आराम आराम से चारों ओर घुमा के, जो इतने पुराने आइटम लेके आ रखे है, कहाँ से लेके आए हो और कैसे ये इकट्ठे करे? ये अपने हरियाणवी संस्कृति है, जैसे पहले जमाने में राजा महाराजा आया करते, और कुछ जो नाप तोल क्या करते ना, वो इस चीज से क्या करते, इनसे जैसे शेर सवा शेर पाइया किलो जो भी माप होता था, गेहूं का लेना देना, चावड़ा का जो भी कुछ होता था, वो इनसे ही किया जाता था। उसके बाद हम लेके चलते हैं आप। आजा, आजा, आजा। ये लोटे है के टंगरे? एक ढोल है जी, ढोल बोला कर देना आप। किस चीज का ढोल है ये? ये जी लोहे का है जी, जैसे मतलब पहले कुएं में वगैरह पानी वगैरह खींचते थे ना। अच्छा, कुएं में से पानी निकालने का ढोल होता है। और ये फिर की टंगरी है? ये जी ताले, जो पहले जिस तरह गर्म लगाया करते हैं पिताले। अच्छा। वो ताले हैं जी, लगभग 150 साल पुराने ताले हैं। लगभग 150 साल पुराने। अरिया गाड़ी खड़ी है, गाड़ी पहले गाड़ी जो पहले वो जाया करते, क्या बोला करते उनको, लुहार वगैरह होते थे, वो जाते थे ना और कुछ अपना सामान वगैरह ले जाके, तो पहले इनका उपयोग होता था। अच्छा, लेकिन आजकल आप देखते हैं टेक्निकल चलती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे 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 आगे, ये आगे, ये अड़ागे शायद, अड़ागे जी शायद, भाई साइड दिखाइए, अड़ा दिखा, कौन सा बोले ना, तोता पलटू कौन सा? ये ऊपर ये आज के दिन टेक्नोलॉजी बदल गई, आज के दिन टाइम के हिसाब से सारी चीज बदल गई, कंप्यूटर बॉडी लगने लगी, लेवल एक सार बना हुआ है, उस जमाने ने किया कंप्यूटर बॉडी आ करती, पहले साथ कितनी मिट्टी खींचा करती। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ये घंटे आया करते, आजकल तो लोग आगे तुरते मेरा पार्ट जाए कड़े के फसल चक्के, लेकिन क्या करते, ये बैल है घंटी, आप आवाज भी सुन पा रहे हो? अच्छा, ये बैल किस चीज? बलद के? हाँ, बलद के गाल दो, उठा का गाल दो। हाँ जी बिल्कुल, ये सारी घंटी है, सारी घंटी जी, अलग भाई सारी, ये उस साइड फोकस करिए, सारी घंटी है, देख लो हर एक पशु का डलिया कर दी। उसके बाद ये आती है अपने जी, जो अरे उससे पहले ये दिखाओ भाई, ये नीचे देसी बैड अपना, बिल्कुल बिंडी वाला बैड, बैड बोले वो है, कते मजा आ जाए, पूरा परिवार तुम्हारे छोटे बड़े सारे आराम से सो जाए। अच्छा, थोड़ा पीछे होइए भाई, थोड़ा पीछे होइए, ये जो हमारा पंचायत की आज भी परंपरा चल रही है, थोड़ा पीछे होगी दिखा दे भाई, क्लियर दिखा, इसको बोले औका, देसी तोब हमारी परंपरा में, पूरा गांव पीले जी, समझदार नहीं, पूरा गांव पीले, यो भी बहुत पुराना ले रहे हो आप, ताला जी सबसे बड़ा, मतलब हरियाणा का सबसे बड़ा औका यो है, हर ला रखा है इस साइड में, आ गई है ये, आ गई जी अपनी नोर, जो मतलब उठा का बांध दिखे ना, छोड़ दिया करते भाई, उठ ज्यादा दूर नहीं है भाजपा भाई, मतलब टोल सुबह, ये तो यार वो मूवी में फिल्म में देखा करते हथकड़ी टाइप की, वो हथकड़ी अलग हो है, ये कुत्तों की, जो कुत्ते का पैर बांध दिया करते, देखा देखा दे पाड़ा करते, उनको बांध दिया करते। अच्छा, ये ऊपर वाली सारी यही आ गई, ये सारी सेम, ये क्या, थोड़े साइड में होते रहो, थोड़े साइड में होते रहो, ये क्या आ गया, जो जो पड़ता पड़ता के गंदा रखा करता है, और उसके बाद में बैल चला कर, ये शायद है आगे बिदाई करके पोर बोलिया करते, और किने नाम ओरना, ओरना मतलब ऊंटा का माटी खोदते, गलत इसमें बीज गिरे को गिरा होया करता। अच्छा, यहाँ से बिजाई करा करते इस टाइप के, ये कितने प्रकार के है? अलग अलग 10-15 प्रकार के उन्होंने लगा रखे, अलग अलग, और ये आगे आगे ये सिड्डी नुमा पेड़ी ही, ये क्या है? ऊपर झूला कर दे पहले, मतलब राजस्थान देखो ऊँट बड़े बड़े हैं, तो ऊँट ऊपर बैठा जाओ को नहीं, या डाल के सवारी इसके ऊपर आराम से बैठ के झूल सके, बैठ सके। अच्छा, ये सारे सारे उठा गया, सारे उठा गए, वेरी गुड भाई, साथ के साथ शेयर कर दे रो भाई, जितने साथ दे, जो क्या ये है डाल, इस तरह बल्द आप देखा करा कुआ में पानी गड्ढा कर दे, बल्द या चोकर दुका घेरा लगाया कर दा, उसके साथ साथ जो ये डाल है ये पानी भर के वापिस खेतों में पानी दिया कर दे, इसके ये सारे डाल है। ये आ गया भाई दो सिंगड़ की जेड़ी, वो लग रहा है 12 सिंगा 6 सिंगा 8 सिंगा, ये क्या काम की 2 सिंगा? ये जी तूड़ी ताड़ी का लिया करते खेता में, तो मतलब भाई कई बार पहाड़ी हो जा करती, पहाड़ी ट्रैक्टर में ट्रेली में खातर पोली पहाड़ी, और काट काट के सिंगड़ भी इसके, पहली काट के वाया करते, आजकल तो लोग के चल रहा टेक्निक आगे पलट की, तो मेरा जी सर नहीं प्रकार की टांगली और जेड़ी बोल जा रही देसी पास, बिल्कुल ये आगे जी अपनी ताई जी चाकर, ये अपनी ताई आगे भाई, आज जो 20-30 साल पहले जो घर में दूध बिलवाया करते, जिसने मथा कर देगा
मिट्टी की शायद ये बिलोनी है और वो पहले उससे भी पहले और प्रकार की आ करती शायद ये अपनी ताईजी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आगे आगे गाना सुना होगा मेरा, ढोल कुएं में लटके मेरी पोरी पोरी मटके। बिल्कुल, ये वो ढोल है जी। अच्छा, ये ढोल, ये भी कुएं में पानी निकाल के, पानी निकाल के जी, छोटे बड़े मतलब भाई ऊपर थे, ऊपर थे, ऊपर थे। जब उसके साथ साथ जब ये ढोल कई बार देखा करते किसी लेडीज का हसमत है, रस्सी रस्सी छूट जा तो उसके माध्यम से रस्सी को मतलब डोल पानी खींचा कर दे, वो टूट गई, छूट गई हाथ में रस्सी, तो ये आ करती बिलाई। अच्छा, ये बिलाई है जो रस्सी खींच लिया करता है, कुएं में जो डोल है वो गिर जाता रस्सी अंदर, रस्सी मान लिया किसी का हाथ में चटका चला, छूट गया रस्सी, पड़ गया, टूट गया पाइप, टूट गया, तो इस तरह निकाला ये छोटी मोटी सारे डाल के ये प्रकार के जा रहे हैं बिलाई। वेरी गुड, बिलाई बोलिया करते ने जो आ गया अपने फाड़ी वाला है, काट काट बोलिया करते भाई, साइड में थोड़े थोड़े साइड अपना आला है जी, खेता में जो था करते खेता में तो इतना मिट्टी में हल्के करके ना इसके अंदर बीज बोए करा करते। और यो, अच्छा यो आपने सावन आज यो, हां हां बिल्कुल। और ये चली है जी, यो के आ गया भाई, यो अजीब उसका क्या बोलते तंबू, इसका क्या रहा है, तुम्बा या की आगा इसका जी पहले वो मनोरंजन करया करते। और यो क्या चीज है भाई, इसका नाम है क्या नाम है इसका, डिंगा, डिंगा नाम है जिसका, इसमें मट्टी वगैरह काम करते हैं, मतलब जो कोई खाई के साथ साथ आप देखो ये गाड़ी बैलगाड़ी आप दिखाई थी वही सेम है, अलग अलग मतलब प्रकार की अलग जिस तरह भैया मेरे हिसाब से आज से 70-80 साल पहले बनोड़ी होगी, 100 साल पहले बनोड़ी होगी, इस हिसाब के कारीगर आज मेरे हिसाब में तो नहीं रह रहे, जिस हिसाब से आजकल देखा भी करे बहुत कम देखने में मिला ही, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पित्तल चढ़ा रखा है, आज के दिन तो कोई मिस्त्री इस तरह से कलाकारी कर नहीं सकता, दिखाइए भाई बिल्कुल, बिल्कुल हर एक जगह पित्तल चढ़ा रखा है इसके ऊपर, मेरे हिसाब से तो मिस्त्री भी नहीं है आज, खड़ा रह गए खत्म हो लिए सारे। यो क्या गया भाई, ये कच्चे बाट से है, शेर आठ से देखे ना मिलेगा, ये बाट है जी, बाटे बोला अगर शेर पाई आधी किलो, ये सारे अलग प्रकार के 25 किलो पर ये बाट आकर दे, आजकल तो आज जो टेक्निक चल जो यो के है वेरी गुड, बहुत कम लोगों ने देखे होगे ये कच्चे बाट आ, बिल्कुल कच्चे नहीं जी, पक्के बाट आ रहे, कच्चे बाट आ रहे हैं, पक्के ही बारे हैं जी, अब कच्चे आ रहे हैं, ये कच्चे आ रहे हैं जी, ये पहले पक्के आकर दे कोठा हर किया तला 5 किलो का यो, इतना यो 8 किलो का हो गया यो, कितना यो जो 50 किलो का है जी, 50 किलो जरूर होगा भाई, ये कितने दिनों से आप मतलब ये इकट्ठे करने लग रहे हो, या जो तो जी बहुत मतलब पुराने पुराने चीज में हम इकट्ठा करने लग रहे हैं, अपनी संस्कृति दिखाने लग रहे हैं भाई, ताकि लोग बेरा पट्टा अपने ये चीज होया करते, इन अपना फायदा भी होया करता, आजकल की देखा खेतों में यूरिया आ रहा है सब कुछ करने लग गए, अपनी देसी खाद होया करती घर की, वो भी सब जितने भी हम संस्कृति दिखाना चाहो लोगों को, ये चीज अपनाओ जितना हो सके उतना, क्योंकि अपनी धरती विनाश काल की तरफ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो उस टाइम हाथ की कारागरी हो रही पहला की कारागरी होगा उस टाइम बीमारी भी कम होती ना, मतलब ज्यादा दवाई का उपयोग होगा, 5G चल गया आपने देखा होगा, पक्षी मरने लग रहे खेतों में, पक्षी ने जो कीड़े नाशक वो फसल बर्बाद करने लग रहे हैं, जब तक पक्षी नहीं होंगे कीड़ा खत्म नहीं करेगा अपनी फसल किस तरह पैदा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आधुनिक युग जरूर आ गया, ये चीजें आज भी बहुत सारे लोग यूज करने लग रहे हैं, और भाई ये कंटिन्यू आप तक कोई देखना चाहो कहाँ ये सारी, ये अपने विरासत है जी, एक निष्ठी पड़ी संग्रहालय है वहाँ पे रखी जाती है सब चीजें, आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, और भी बहुत सारी चीजें पुरानी देखने को मिलेंगी, लगभग आपको यार नहीं मिलेगी लेकिन वहाँ आपको जरूर मिलेंगी, आप केव के निष्ठी में जाएं और वहाँ पे सभी देखें। बिल्कुल, आपका नाम नंबर पता लोकेशन और बता दो जी, नाम पता बता रखा है, नाम अनूप कुमार फ्रॉम चरखी दादरी है, धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद भाई, एक बार दिखा दे इशार का जो मेला लग रहा है, लोगों का कट लग रहा है, ऐसे लग रहा है कोई नई विदेशी टेक्नोलॉजी आ रही है, मतलब बहुत सारे लोग इन चीजें बे रहा है, आज के दिन जो युवा पीढ़ी है पहले वाले तो हमारे सारे जाने करते, आज वाले पता है कुनी जो ये आपने जो पुरानी आज से 100-150 साल पहले का जो ये इकट्ठे कर रखे जो हमारे कृषि औजार यंत्र थे या और इंस्ट्रूमेंट थे जो भी यंत्र थे वो आप तो दिखाने का काम करे है, बाहर भी देख सकते हो कदाकद भीड़ है हिसार के जो मेले में, शायद कृषि 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 मंत्री जेपी दलाल भी ओके के ऊपर ही पहुंच, कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री भी आ गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं चारों ओर से मतलब लोग इनको चारों ओर से घेरे हुए हैं, और ये यहाँ पर कुछ प्रोग्राम है उसके अंदर इनवाइट हो गए, लगातार शेयर करने का काम करो वीडियो ना भाई।
आपने आप वीडियो देखी है, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दो। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में नई अपडेट में सहयोगी कैमरामैन के साथ। मैं सुशील सियाग निसार, धन्यवाद। आने रखिए सर, 2 मिनट का टाइम मिलेगा।